देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह देखे थे, सर्किट प्रॉब्लम, और ऊपर लेके चलता हूँ। इस जगह से स्टार्ट किया था, पावर। पावर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, पावर होता क्या है, पावर और निकालते किस तरीके से, कौन से फॉर्मूलेज हम लोग लगाते हैं, और बैटरी का इफिशियंसी क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करंट का होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का किस तरीके से होता है, और किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, ये हम लोगों ने देखा। अब फिर लास्ट में हम लोगों ने सर्किट प्रॉब्लम्स किए थे, जिसमें कोई भी सर्किट अगर गिवन होगा तो सर्किट के किस तरीके से हम लोग पोटेंशियल या फिर करंट हम लोग मेजर करते हैं, निकालते हैं, वो हम लोगों ने देखा था। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लो कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है। देखो, इस जगह पे एक रेजिस्टेंस है, इस जगह पे बैटरी है, और रेजिस्टेंस है, बैटरी रहा है, कुछ इस तरह का सिस्टम दिया गया। और ये दे रखा है 2 ओम, ये दे रखा है 2 ओम, ये 10 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट, 3 ओम, 10 वोल्ट, 3 ओम, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट एंड 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो अगर ऐसा है तो पूछा गया कि फाइंड आई, इसका वैल्यू कितना होगा, ये तुम्हें निकालने के लिए बोला गया। फटाफट इसको जल्दी से करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक जगह पे जीरो पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। तो लेट से मैंने इस जगह पे जीरो पोटेंशियल डिफाइन कर लिया, और इस सभी जगह पे जीरो हो जाएगा, और इस जगह पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा, इस जगह पे 10 हो जाएगा, और इधर भी +10, इधर भी +10, और इस जगह पे कितना हो जाएगा, +20, और इस जगह पे कितना हो जाएगा, इस जगह पे हो जाएगा 0, ये है माइनस और ये है प्लस, सॉरी नहीं, इधर भी 20 हो जाएगा, पोलैरिटी जिस तरीके से है ना, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। और अब हम लोग और भी जगह पे निकालेंगे, क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस को देखें, इस सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है क्या? अगर मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे निकालना पड़ेगा। इस वाले के अक्रॉस तो हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि ये और ये दोनों जो रेजिस्टेंस है एक साथ है सीरीज में, तो इन दोनों को एक साथ हम लोग ले सकते हैं ना। तो कितना हो जाएगा, पहले इस जगह का निकाल लेता हूँ मैं, तो 0 इस जगह पे है और इधर माइनस और ये प्लस है, तो इधर 6 आ जाएगा प्लस में, और इस लोकेशन पे कितना हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस है, तो इधर भी 16 हो जाएगा। अब देखो, हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, सिंपल सा मुझे करंट निकालना है। इधर से करंट एक जाएगा I1, I1 करंट कितना हो जाएगा, डेल्टा वी विच इज 20 माइनस ऑफ 0 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस विच इज 2, हो जाएगा 10 एम्पियर। और इस वाले में करंट किधर जाएगा, हाइयर पोटेंशियल से लोअर जाता है, तो हाइयर पोटेंशियल ऊपर है, लोअर नीचे है, तो ये जो करंट I2 होगा वो कितना होगा, 10 माइनस ऑफ 6, 10 माइनस ऑफ 6 कितना हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 3 एम्पियर, ये करंट निकल गया इधर से। अब इस वाले में करंट इस तरफ जाएगा, ये होगा I3, और ये करंट कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 16 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा। और इसमें करंट जो है 20 इस तरफ है और 0 इस जगह पे है, तो करंट इस तरफ जाएगा विच विल बी 20 डिवाइड बाय 4
टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा 5 एम्पीयर। सभी करंट जो है, देखो तुम अच्छे तरीके से, इधर से होते हुए इसमें जा रहा है सारे करंट। तो सभी करंट का एडिशन उस वाले में करंट बताएगा। सो आई विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। तो सभी करंट का समेशन। समझ में आया गया सबको? हाँ सर, अब हम लोग बल्ब वाला एक पार्ट करेंगे, जिसमें कि अगर कुछ बल्ब्स को एक साथ कनेक्ट किया गया है तो कौन सा बल्ब ब्राइटर होगा, कौन सा डीम होगा, वो सारी चीज हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले मैं वर्किंग बता देता हूँ, बल्ब होता क्या है और वो किस तरीके से काम करता है, और मतलब उसमें हम लोग थियोरेटिकली और क्या क्या चीज कर सकते हैं फॉर्मूला वाइज। तो कोई भी बल्ब के अंदर, अभी के टाइम पे बल्ब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले के टाइम की बात कर रहा हूँ, हमें वही सारे बल्ब को लेकर के डील करना है। 100 वॉट का बल्ब होता था, याद है, और वायर कुछ इस तरीके से लगा रहा था, जिसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, होता है ऐसा। तो करंट इस जगह से पास होता है ना, और करंट पास होता है तो क्योंकि इसके पास कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो ये जो वायर है वो गर्म होने लग जाता है, हीट होने लग जाता है, और हीट होने के कारण से ये उस वेवलेंथ के लाइट को इमिट करता है जो कि हमें दिखता है। बेसिकली ये हर एक वेवलेंथ ऑफ लाइट को इमिट करता है, लेकिन क्या है कि हम लोग देख कौन सा पाते हैं, सिर्फ विजिबल रीजन, ओनली विजिबल रीजन वी कैन सी। लेकिन इंफ्रारेड जो है वो भी निकलता है, अल्ट्रावायलेट वो भी निकलता है, तो हमें हर तरह के इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलते हुए दिखते हैं। एक सिंपल सा चीज मैंने बताया कि कोई भी मेटल अगर बहुत ज्यादा गर्म होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। जैसे कि आयरन को गर्म कर दो, लोहे को, बहुत ज्यादा गर्म होने पे वो क्या है, रेड हो जाता है, और उसके सामने हाथ लेकर के जाओ तो तुम्हें फील होगा कि हाँ गर्म है, वो गर्म हो रहा है, टच तो किया नहीं तुमने, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इससे इमिट हो रहे हैं और वो तुम्हारे हाथों पर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये गर्म होने लग गया, और गर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पास रजिस्टेंस है, और वो रजिस्टेंस के कारण से हीट में कन्वर्जन हो रहा है और वो लाइट के फॉर्म वगैरह में भी रिलीज हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे कितना ब्राइटर होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना हीट डेवलप हुआ है या फिर कितना उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करा है। तो कुल मिला के बात ये है कि पावर पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा बल्ब का पावर होगा उतना ज्यादा बल्ब ब्राइटर होगा। और पावर का फॉर्मूला क्या हम लोग यूज करेंगे, I² × R या फिर V² / R या फिर V × I, ये सभी पावर के ही फॉर्मूले हैं, बल्ब के लिए हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं, लेकिन सभी को अच्छे तरीके से यूज करना है ऐसा। ठीक है, और इसमें समझते हैं, तो ये पावर का फॉर्मूला हो गया I² × R, ज्यादा पावर मतलब कि बल्ब ज्यादा ब्राइटर होगा, मोर पावर इंप्लाइज ब्राइट। बल्ब जो ग्लो करेगा बहुत ज्यादा ग्लो करेगा। तो कोई भी जब तुम बल्ब परचेज करोगे तो बल्ब के ऊपर दो चीज रेटेड होता है, क्या क्या गिवन होता है, अगर तुमने कभी भी इस बल्ब को परचेज किया हो, किसी ने किया है क्या परचेज, या फिर किसी ने देखा फिलामेंट वाला बल्ब? बोलो, हाँ सर, देखा सर, है ना, हाँ सर, इस जगह पे देखोगे कि दो चीज लिखा होता है, एक तो 100 वाट का बल्ब लिखा होता है और लिखा होता है 220 वोल्ट सप्लाई।
बस ये दो चीज मेंशन कर, और इन दोनों चीज का मतलब क्या है, 220 वोल्ट के सप्लाई पे ये बल्ब काम करेगा, और इससे ज्यादा अगर वोल्टेज दिया तुमने तो ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा, है ना। क्यों फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा हीट अप हो जाएगा कि इसका फिलामेंट टूट जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज से तुम्हें पता चल गया कि इससे ज्यादा नहीं देना है, इससे कम ही रहेगा, और ये इस पे ऑपरेट होगा। और जिस समय ये ऑपरेट कर रहा था 220 वोल्ट पे, उस समय इसका पावर इतना है, दिस इज पावर एंड दिस इज मैक्सिमम वोल्टेज, तो जहां पे भी मैन्युफैक्चर हुआ था वहां पे जब इन सभी चीजों को लगाया गया और 220 वोल्ट सप्लाई इस पे दिया गया, तो ऐसा नोट किया गया कि 100 वाट की एनर्जी को वो रिलीज कर रहा है। और 100 वाट का मतलब क्या हो गया, पावर इज 100 वाट, डेट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 100 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी वो रिलीज करेगा, ठीक है। कब रिलीज करेगा 100 वाट, जब तुम इसको 220 वोल्ट पे कनेक्ट करोगे तब, ऐसा नहीं कि 110 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया और अभी भी 100 वाट का तुम्हें एनर्जी देगा, पावर देगा, नहीं, ओनली 220 वोल्ट पे सप्लाई किया, कम करेंगे तो कम हो जाएगा ऑफकोर्स, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में ऑलवेज ये चीज गिवन होगा, और इस चीज से मुझे बस इतना सा निकालना है कि इस फिलामेंट का रेजिस्टेंस कितना, ठीक है। ये दो चीज डेटा तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, और इस दो डेटा का बस इतना ही काम है कि रेजिस्टेंस निकालो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, सो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पावर, बस इतना सा क्वेश्चन से तुम्हें निकाल लेना है, बाकी अब वो इंफॉर्मेशन हमारे ज्यादा काम का नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बल्ब का अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, इतना हो जाएगा रेजिस्टेंस। क्लियर है क्या सबको, ठीक बोलो, सबको समझ में आया, यस सर। अब समझ में आ गया तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब मान लो कि दो बल्ब्स हैं तुम्हारे पास, एक बल्ब है और ये एक दूसरा बल्ब है, और इन दोनों बल्ब को मैंने कनेक्ट करके रखा है 220 वोल्ट के सप्लाई से, और इस पे रेटेड रेटिंग दिया गया है कि ये जो बल्ब वन है और ये जो बल्ब टू है इसके ऊपर लिखा गया है 100 वाट एंड 220 वोल्ट सप्लाई, और इस पे लिखा गया है 50 वाट 220 वोल्ट सप्लाई। तो पूछा गया कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है, फाइंड विच बल्ब विल ग्लो मोर, तो आपको सिंपल क्वेश्चन दिया, तो सिंपल सा क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा बल्ब जो है वो ज्यादा ग्लो करेगा या फिर ब्राइटर होगा। हमें इसमें क्या निकालना है, हमें बस ये निकालना है कि पावर किसका ज्यादा है, और इससे ज्यादा मुझे कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। तो मैं इन दोनों बल्ब का इस इंफॉर्मेशन से सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालूंगा, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा और इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ये आर वन एंड आर टू, सो आर वन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर बाय आर इज 100, और आर टू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर इज 50। इसको मैं ऐसा करता हूँ कि आर एज्यूम कर लेता हूँ, अगर उसको हमने आर एज्यूम किया है तो क्या ये 2R होगा, सही है क्या, हाँ सर, है ना। तो काइंड ऑफ ये क्वेश्चन ऑफ कन्वर्ट हो गया है कि
दो रेजिस्टेंस है, एक आर और एक टू आर, और इसे 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया। तो अब मुझे बताओ कि किसका पावर ज्यादा होगा, वन वाले का या टू वाले का? क्या करंट दोनों में सेम होगा? जो भी करंट जाएगा दोनों में सेम जाएगा, तो पी वन जो होगा वो कितना होगा, आई वन स्क्वायर इंटू आर वन, और पी टू कितना होगा, आई टू स्क्वायर इंटू आर टू। आई तो दोनों में सेम है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर ज्यादा है ना। सो द पावर ऑफ टू विल बी ग्रेटर देन पावर ऑफ वन। आज समझ में आई या नहीं आई? समझा सर। सिंपल था ना। अब इसको क्वेश्चन के ऊपर देखो, देख के ऐसा लगे कि 100 वॉट वाला बल्ब है ज्यादा पावर देगा, 50 वॉट तो कम पावर का है, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया, ये जो रेटिंग दिया है 220 वोल्ट वो उसके लिए पावर है। इस 220 वोल्ट के सप्लाई के लिए इतना सा पावर है, ये इतना के लिए। लेकिन हमने 220 वोल्ट जब लगाया तो इसके पास 220 वोल्ट नहीं मिल रहा है, और या फिर इसके पास 220 नहीं मिल रहा है, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा और इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा। ऐसा भी नहीं कि V1 110 हो गया, इक्वल रेजिस्टेंस है क्या? नहीं। आई थिंक मेरी बात अब तुम्हें समझ में आ रही होगी अच्छे तरीके से, और क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है अच्छे तरीके से, तभी आंसर आएगा। तो अब एग्जैक्ट हम लोग अगर वैल्यू निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, करंट इसमें पुट कर सकते हो कि करंट कितना हो जाएगा, 220 डिवाइड बाय 3 R, और करंट निकल गया तो अब पावर निकल सकता है, आई स्क्वायर R1, R1 कितना है, R बराबर, एक R से R जाएगा और नीचे एक आर बचेगा, और इस आर का जो वैल्यू है मैं यहाँ पे कर लूँगा, द होल स्क्वायर इंटू 100, आंसर आ जाएगा 100/9 वॉट, बल्ब वन इतना पावर रिलीज करेगा। कैलकुलेशन भी हम लोग कर सकते हैं, कंपेयर करना हो तो हम लोग बस इतने से ही कंपेयर कर सकते हैं, बस इतने से काम से, ये भी करने की जरूरत नहीं है, नीचे वाला करने का भी जरूरत, बस इतना सा। अगर कंपेयर करने के लिए दिया गया हो तो अभी क्या है कि मुझे वैल्यूज निकालना था इसी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर से दो बल्ब गिवन है तुम्हें, और ये दोनों बल्ब को 220 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट किया गया है, बल्ब वन और बल्ब टू का रेटिंग गिवन है, ये है 25 वॉट, 110 वोल्ट, और ये है 50 वॉट, 220 वोल्ट सप्लाई। क्वेश्चन वही सिंपल है, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा ये निकालना है। सो फर्स्ट वैल्यू निकालना है, बट B1 का पावर ज्यादा होगा। B1 का ज्यादा है, तो देखते हैं, पहले दोनों का रेजिस्टेंस मैं निकाल लेता हूँ, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, और ये हो जाएगा 220, R1 कितना हो जाएगा, 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50, और R2 कितना हो जाएगा, 110 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 25। तो अगर मैं इसको R बोल रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, आर बोलो बाय टू कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसको ताकि ये आ जाए,
ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा ये 4, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो एग्जैक्टली वो वाला मिल जाएगा। तो इफेक्टिवली कितना से मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स आया ना, तो ये हो जाएगा 2R। देखो ये चीज कैसे है, 110 का होल स्क्वायर इंटू 4 कर दिया और नीचे 25 इंटू 2 कर दिया, एग्जैक्टली सेम चीज लिखा हुआ है, ये 2 हो गया है ना, ऐसा। तो ये आर लिखा गया है, तो सर नीचे वाला R/2 होगा ना, लाइक नहीं अभी लिखा नहीं है, उसको डबल से मल्टीप्लाई करने है, पहला वाला आ रहा है। बोला भी लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो ये ऐसे करके लिखा जा सकता है, तो ये कितना होना चाहिए नीचे, R/2, समझा गया? हाँ सर, हाँ ये रेजिस्टेंस R/2 अब निकल गया, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज को लिख लेता हूँ, दिस इज आर एंड दिस इज R/2, और ये है 220 ओम का सप्लाई, ठीक है। तो करंट कितना आ जाएगा, करंट विल बी पॉजिटिव 20 डिवाइड बाय 3R/2, ये करंट आ गया। करंट जो भी रहेगा लेकिन पावर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ही रहेगा, क्योंकि तो दोनों में करंट क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका पावर ज़्यादा, क्योंकि R1 बड़ा है R2 से, तो पावर 1 विल बी ग्रेटर देन पावर। लेकिन प्रॉब्लम एक इसमें ये है कि दोनों बल्ब जलेगा ही नहीं, क्यों? अभी निकालने का तो हम लोगों ने निकाल लिया अच्छे तरीके से, प्रॉब्लम ये होगा कि अगर तुम इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो इसके क्रॉस होगा V1 और इसके क्रॉस होगा V2। सो V1:V2 कितना हो जाएगा, V=IR, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, R:R/2 विच इज 2:1। सो V2 विल बी इक्वल्स टू, ⅓ ऑफ वन व्हील। थर्ड ऑफ 220, और ये हाँ कितना निकल के आता है, 220/3, और 220/3 कितना होगा, 110 से ज्यादा या कम, 71 पॉइंट हंड्रेड कम एंड होगा। कम होगा, तो इस बार बच गया, मुझे लगा था वो हो जाएगा। तो इसका मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है वो 110 हो सकता है, इससे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा होता तो ये फ्यूज़ हो जाता, ठीक है, तो बल्ब ही नहीं जलता, लेकिन चलो बच गया। तो इस चीज़ को तुम्हें ऑलवेज क्रॉस चेक कर लेना है कि हाँ बल्ब फ्यूज़ तो कहीं नहीं हुआ। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सर अगर फ्यूज हो गया तो लाइक अभी एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। एंड 10 वोल्ट इसका रेटिंग दिया है, 25 वॉट, 110 वोल्ट, और ये दे रखा है 50 वॉट, 110 वोल्ट। बोला गया विच बल्ब विल फ्यूज फर्स्ट, कौन सा बल्ब पहले फ्यूज करेगा, ये निकालना है।
तो सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं। ये तीनों जो सीरीज में है जिस तरीके से लगा हुआ है, 330 वोल्ट, और इसका रेजिस्टेंस R1, R2, R3। R1 रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 110 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100, इसको मैं आर एज्यूम कर लेता हूँ। R2 कितना हो जाएगा, 110 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 25, 4 आर4R हो जाएगा। और R3 कितना हो जाएगा, 110 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 50, 2R हो जाएगा। टू आर मैं इस जगह पे वैल्यूज लिख देता हूँ, ये R, ये 4R, और ये, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 एंड V3। तो देख के ही पता चल रहा है कि जिसके ऊपर रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है 110 को क्रॉस कर रहा है, जो कि मैं निकाल के दिखाता हूँ। V1 इस टू V2 इस टू V3, 4/7 टाइम्स 1 इस टू 330 होगा 4 इस टू पोटेंशियल। 2, सो V2 विल बी इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 7 इनटू 330, 330 और इसका वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, 110 से बड़ा है ना। तो ये 110 से ज़्यादा होने का मतलब ये है कि बल्ब यूज हो जाएगा, ये 110 वाट, 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे ही काम कर सकता है या फिर उससे नीचे। क्लियर है? यस यस सर। सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ इस तरीके से बल्ब के अरेंजमेंट्स हैं, V1, V2 एंड V3। V1 और V3 का अरेंज मतलब कि आइडेंटिकल बल्ब है, तो उसके पावर रेटिंग भी सेम है, पावर दे रखा है 100 वाट एंड द रेटिंग वोल्टेज इज 220 वोल्ट, वेरस V2 का दे रखा है पावर 100 वाट एंड उसका पोटेंशियल डिफरेंस 110 वोल्ट। तो क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा ग्लो कौन करेगा, सॉल्व करो। तो अभी जैसे भी इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलेंगे देखने, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो सिंपल सा पहले ये काम करना है कि सभी के रेजिस्टेंस को कंपेयर कर लेना, और सिर्फ पूछा गया कि ग्लो कौन सबसे ज़्यादा करेगा तो मुझे मैग्नीट्यूड वगैरह निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ को कंपेयर करना है हम लोग को। ये ऐसा, तो ये R1, R2, ये R3। R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, V² बाय R, ये 220 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100, और ये R3 के बराबर है। R2 कितना हो जाएगा, V² बाय R, R कितना, मतलब V² बाय P है, सॉरी आर, मैं बोल रहा हूँ दिस इज पावर इक्वल्स टू डिवाइड बाय 100। तो कितना टाइम्स है इसको अगर वन मैं बाय फोर टाइम्स R2, आर R2 बाय इज 1/4 टाइम्स R1। ये आर बाय 4 लिखना होगा, ये आर बाय 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा, अब इधर से जो भी करंट आएगा आई वो तो इसमें जाएगा, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 1, पावर 1 भी इक्वल टू V² बाय R या फिर I² इंटू R।
आई स्क्वायर इंटू आर, ये वाला लिख रहा हूँ मैं, और इधर जो करंट है आई वन जाएगा और इस तरफ करंट कितना जाएगा आई टू, तो मैं आई वन और आई टू को निकाल लेता हूँ कितना होगा। सो आई वन इज टू आई टू विल बी इक्वल्स टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, इज इक्वल्स टू, फोर इज टू वन। हाँ ऐसा आई वन आई टू सॉरी ये हो जाएगा आर इज टू आर बाय फोर विच इज फोर इज टू वन। सो आई वन विल बी इक्वल टू फोर डिवाइड बाय फाइव इंटू आई, एंड आई टू विल बी इक्वल टू वन डिवाइड बाय फोर इंटू आई। अब अगर ये करंट आ चुका है वन एंड आई टू, मैं पावर निकाल सकता हूँ, सेकेंड का पावर कितना हो जाएगा आई वन स्क्वायर इंटू आर टू, और इसका पावर हो जाएगा आई टू स्क्वायर इंटू आर थ्री। वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ मैं, आई वन स्क्वायर विच इज फोर बाय फाइव का होल स्क्वायर इंटू आर टू, आर टू का वैल्यू आर बाय फोर, और ये हो जाएगा तुम्हारा आई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आर थ्री विच इज इक्वल टू आर। तो तुम्हें देखो हर एक वैल्यू पावर का निकल के आ चुका है और बस उसे कंपेयर करने की जरूरत है। तो पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, और तुम देख करके बता सकते हो सबसे ज्यादा पावर किसका है। सर वो आई बाय फाइव होगा ना, आई टू। सॉरी आई वन का, तो सबसे ज्यादा जो ग्लो कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, वन वाला, किसका सबसे ज्यादा पावर है। हाँ इसके बाद कौन सा ग्लो करेगा, कौन ज्यादा है, टू या थ्री, टू टू ज्यादा। उसके बाद तो इस तरीके से हम लोग सिंपल से क्वेश्चन को करेंगे। कभी कभी इसमें तीन चार सर, कॉम्बिनेशन फिर भी दिया जा सकता है। हाँ बोलो। इसके बाद वो चेक करना पड़ेगा क्या, वोल्टेज का फ्यूज नहीं, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं वगैरह। पड़ेगी क्योंकि हाँ देखो ये 110 वोल्ट का सप्लाई है, 220 वोल्ट का सप्लाई है, इसके क्रॉस 110 हो रहा है कि नहीं, इसके क्रॉस ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना है। मैंने इसमें वैसा क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन हाँ एक बार चेक कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें हो रहा है क्या, प्रॉब्लम P1 से नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ना। सर डाउट था बोलो। सर, अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उसका कंसिक्वेंस हम उसे एलिमिनेट करके बाकी सर्किट को फिर से हाँ पोटेंशियल करंट वो सब होगा क्या? हाँ अगर मान लो ये फ्यूज हो गया, ये वाला फ्यूज हो गया, तो सर्किट कैसा बन जाएगा, ऐसा इस टाइप का, क्योंकि इधर से तो कोई करंट फ्लो करेगा नहीं, बराबर। समझ में आया क्या। अच्छा ठीक है चलो अब आगे चलते हैं। देखो बल्ब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने डिस्कस किया, अच्छे तरीके से समझा। इसमें बल्ब में और भी ज़्यादा कॉम्बिनेशन में कर सकता था, डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग को चेंज कर सकता था, तो काम तो वही करना था हमें, हर एक बार रेजिस्टेंस निकालना था और वैल्यूज निकालना था। आगे चलते हैं और किरचॉफ्स लॉ स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है करंट इलेक्ट्रिसिटी के, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो तुम्हें इसी जगह से आएंगे, इसी जगह से पूछे जाएंगे। तो इसमें बेसिकली दो लॉज हैं, एक तो है किरचॉफ्स करंट लॉ और एक है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इन्हीं दोनों लॉज को हम लोग
पढ़ेंगे और जानेंगे अच्छे तरीके से। अप्लीकेशन भी इसका काफ़ी ज़्यादा है, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अप्लाई करता है। तो पहले किरचॉफ्स करंट लॉ देखेंगे और फिर बाद में हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ देखेंगे। फर्स्ट इज किरचॉफ्स करंट लॉ, और इस किरचॉफ्स करंट लॉ को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जंक्शन लॉ। और इसी को हम लोग केसीएल बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो क्या है ये किरचॉफ्स करंट लॉ? बहुत ही सिंपल सा चीज़, इसने बेसिक सा चीज़ बताया कि मान लो डिफरेंट डिफरेंट सर्किट से डिफरेंट डिफरेंट वायर्स इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आकर के मीट कर रहे हैं। दो वायर्स ऐसे मीट किया और एक वायर ऐसे करके निकल रहा है। तो बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग क्या बोलता है कि अगर I1 और I2 इस डायरेक्शन में आ रहा है तो जो करंट I3 होगा ये दोनों का समेशन होगा। आया ना, सिंपल है ना? तो उन्होंने इस फॉर्मूले को जनरलाइज कर दिया, बोला कि मान लो कि ढेर सारे हैं वायर्स, ढेर सारे हैं जो इन हो रहे हैं आउट हो रहे हैं, हमें नहीं पता, I4 है हो सकता है, I5 हो सकता है, और इस पॉइंट को उसने नाम दे दिया जंक्शन। से क्या बोल दिया? जंक्शन। तो क्या बोला गया इस जंक्शन के बारे में? बोला गया कि द एल्जेब्रिक सम जो होगा इन सभी का वो क्या होगा? 0 के बराबर होगा। मैं यहाँ पे पहले सेंटेंस में लिख देता हूँ, फिर उसको मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग टू द जंक्शन, मीटिंग टू द जंक्शन आर ए पॉइंट इज 0। तो सभी का समेशन, अल्जेब्रिक समेशन उसने बोला है, नॉट ओनली समेशन। समेशन होता तो सिंपल सा मैग्नीट्यूड मुझे ऐड करना होता है। अल्जेब्रिक समेशन का बोलने का मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो जो भी करंट यहाँ पे आ रहे हैं और या फिर जो भी करंट जा रहे हैं उसका साइन हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो एक सिंपल सा लॉजिक हमें बस इतना से याद रखना कि अगर कोई भी जितने भी सारे करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उन सभी का समेशन I1, I2, I3, I4, I5, इन सभी का समेशन क्या हुआ? 0। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 विल बी इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम कर लिया। तो जो करंट इससे बाहर निकल रहे हैं क्या उसको मुझे निगेटिव लेना पड़ेगा? बिल्कुल हाँ। तो अगर मैं इस जंक्शन के लिए इक्वेशन को अप्लाई करूंगा तो हमारे पास रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I5 माइनस ऑफ I4 और माइनस ऑफ I3 इक्वल्स टू 0। ये ऐसा है, मेरी बात सबको समझ में आएगा? बहुत ही सिंपल सा चीज मैंने बताया, बोलो समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर, हाँ, अब तुम बता सकते हो कि ये किस चीज पे बेस्ड है? ये प्रूफ अगर मुझे करना हो, इसका डेरिवेशन करना हो तो कैसे कर सकते हैं? मैं बता सकता, बोलो, सिंपल है, ज्यादा कुछ टफ नहीं। बिल्कुल चार्ज कंजर्वेशन। सही, चार्ज कंजर्वेशन। करंट जो है वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, मतलब dQ/dt। सो इट इज, दिस लॉ इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कहने का मतलब ये है कि जो चार्जेस हैं वो कहीं पे इकट्ठा नहीं हो सकता। यहाँ पे तुमने टैंक बना के नहीं रखा है, ये जो जंक्शन है इस जंक्शन के पास चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है। अगर इधर से 5 कूलम चार्ज आया और इधर से 2 कूलम चार्ज आया तो इधर स्टोर हो नहीं सकता, उसको किधर न किधर जरूर एक रास्ते के थ्रू भेज देगा। जैसे कि हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में देखते थे, इधर से पानी आ रही, इधर से पानी आ रही है, इधर कितना जाएगा, 2 लीटर पर सेकेंड से आ रहा है या 3 लीटर पर सेकेंड आ रहा है, तो इधर 5 लीटर पर सेकेंड से पानी निकल जाएगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक हम लोग पहले से जानते हैं, इसको डिराइव करने की ज़रूरत है नहीं। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग करते हैं और समझते हैं इसको कैसे करेंगे। मान लो कि सर्किट जो है हमारा कुछ इस तरीके से दिया गया है। तीन रेजिस्टेंस हैं कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं, और कुछ रेजिस्टेंस वगैरह कुछ इस तरीके से है, 2 ओम, और ये दिया गया है 4 ओम, और ये 4 ओम बराबर, और ये दे रखा है 10 वोल्ट का बैटरी। तो कुछ भी पूछा सकता है, बोला जाएगा कि हर एक ब्रांच में बताओ करंट कितना है, या फिर बोल दिया जाए कि इस लोकेशन पे पोटेंशियल कितना है। कुछ भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्योंकि अब हम लोग एग्जांपल कर रहे हैं। तो मान लो हमसे पूछा गया हर एक ब्रांच में करंट कितना है फाइंड करो, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला चीज़ तो हम लोग जीरो पोटेंशियल डिफाइन करेंगे हर एक जगह। इस जगह पे जीरो पोटेंशियल डिफाइन किया, इधर भी जीरो हो जाएगा, इधर भी जीरो हो जाएगा, इस जगह पे भी जीरो, और इस जगह पे कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। क्या मैं इस जगह का पोटेंशियल डिफाइन कर सकता हूँ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में तो रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस को हम लोग कूद करके नहीं जा सकते हैं, बैटरी रहता तो चले जाते हैं। तो जिस जगह का पोटेंशियल हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उस जगह के पोटेंशियल को कुछ एज्यूम कर लेना, लेट्स से इट इज एक्स। ओके, क्लियर है क्या? बोलते जाओ, समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ हाँ, सुन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के ऐसे ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन तुम्हें को करना है। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया, लेट्स से दैट द पोटेंशियल ऑफ दिस जंक्शन इज एक्स, और हम ये भी अज्यूम करेंगे कि एक्स जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा पोटेंशियल है। एक्स इज द हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ ऑल, सबसे दुनिया का ज्यादा पोटेंशियल एक्स, और ऐसा हमने अज्यूम किया है। अगर सबसे दुनिया का पोटेंशियल सबसे ज्यादा एक्स है, तो क्या करंट इधर से निकलेगा हायर पोटेंशियल में, और करंट इस तरफ भी जाएगा, और करंट इस तरफ भी जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी पता है जंक्शन लॉ से कि I1 + I2 + I3 कितना होना चाहिए, जीरो। बोलो, समझ में आया क्या? कोई हाँ सर, डाउट नहीं होना चाहिए। पहला काम हमने क्या करा, अननोन पोटेंशियल डिफाइन करना, दूसरा एक्स को सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल डिफाइन करना, और तीसरा के सी एल लगाना, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो I1 कितना हो जाएगा, क्या इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें पता है? बिल्कुल पता है, कितना है बताओ? 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? -10 x-10, क्योंकि x दुनिया का सबसे बड़ा पोटेंशियल है, इसीलिए x-10 करेंगे, ना कि 10 - x। डिवाइडेड बाय 2, ये करंट आ गया I1, I2 कितना करंट आएगा? x-0 डिवाइड बाय 4, I3 कितना आएगा? जल्दी बताओ। वो भी X/4। डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ गया, और इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 2x-20 + x + x = 0। सो 4x = 20 एंड x = 5। अब x 5 आ गया, तो क्या ये x जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा पोटेंशियल है क्या? नहीं, ये तो 5 वोल्ट है, इससे भी बड़ा पोटेंशियल तो 10 है यहाँ पे। लेकिन हमें क्या एज्यूम करना है,
ये सबसे बड़ा पोटेंशियल है, और ऐसा करने से हमें जो आंसर मिलता है वो सही मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं I1 प्लस ऑफ I2 प्लस I3 कर रहा हूँ, मुझे इसमें फिर I1 माइनस I2 करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी रीजन से हम लोग इस अजम्पशन को लेते हैं। तुम्हें भी हमेशा इसी तरीके से करना है, क्वेश्चन काफी आसान होगा। अब तुम इस सर्किट को अच्छे तरीके से देखो तो एक सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का हाँ सर, सर्किट है, और कुछ नहीं। देख पा रहे हो क्या अच्छे तरीके से? ये 4 ओम और ये 4 ओम क्या पैरेलल में है ना? ये दोनों पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2 ओम, और 2 के साथ ऐड होगा तो टोटल 4 हो जाएगा। ये 2 ओम और ये 2 ओम, तो करंट कितना जाएगा इधर से? 10 डिवाइड बाय 4, दिस इज 2.5, और 2.5 होगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर लो, विच इज 5 वोल्ट। तो इस जगह पे तुमने अगर 0 डिफाइन किया, इस जगह पे 0 हो जाएगा, और इस जगह पे 10 हो जाएगा, तो 10 में से 5 जाएगा, इस जगह पे कितना बचेगा? 5 वोल्ट बचेगा, और तुमने आसानी से ये वाला निकाला। ऐसा नहीं कि सर ये वाला आसान है तो मैं अब इसी तरीके से करूँगा, कर ही नहीं पाओगे। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन तो मैंने जानबूझ के दिया भी, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम लोग करोगे। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन टेन दे रखा है, ये दे रखा है 3 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम। तो बताओ करंट थ्रू द रेजिस्टेंस 2 ओम या 3 ओम के, फाइंड करंट थ्रू ईच ब्रांच। हाँ सर, तो क्वेश्चन काफी आसान है। पहले पोटेंशियल डिफाइन कर लेते हैं। 0 इस जगह पे 10 हो जाएगा, और इस जगह पे भी 10 हो जाएगा, और इस जगह का पोटेंशियल को मैं एक्स अज्यूम कर लेता हूँ। इस तरफ करंट आएगा I1, और ये होगा I2, और ये होगा I3। तो सभी का समेशन क्या होना चाहिए? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, और एक्स सबसे बड़ा पोटेंशियल है। x-10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x-0 डिवाइड बाई 2 प्लस x-10 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो 6 से और सॉल्व कर लो। समझ में आया क्या? तो इधर से x निकल के आ जाएगा। बोलो, सबको समझ में आया? इक्वेशन बनाना इम्पोर्टेंट हाँ सर, है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन थोड़ा इस तरीके का, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, 2 ओम तो फाइंड आउट करो इस जगह का पोटेंशियल। अब तक तो पता चल ही गया होगा।
सॉल्व करो उसको। तो सॉल्व करते हैं इसको, फिर से हम लोग इस जगह पे जीरो अज्यूम कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10, इस जगह पे भी 10 और इस जगह को तो हम लोगों ने एक्स अज्यूम करके रखा है। अब इक्वेशन बना लेते हैं, एक्स माइनस 10 डिवाइड बाई 2 प्लस ये वाला एक्स माइनस 0 डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स माइनस 0 डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स माइनस ऑफ 10 डिवाइड बाई 4 प्लस एक्स माइनस 10 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा 2x माइनस 20 प्लस ऑफ एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? हाँ सर, 5 आ रहा यस है। सर। ओके, और क्वेश्चन करते हैं इस बार थोड़ा अच्छा। ये कुछ इस तरीके का सर्किट है, ये टू है, टू टू और ये 4 ओम है रेजिस्टेंस दे रखा है, और ये 10 वोल्ट दे रखा है, और ये भी लेट से 10 वोल्ट है। तो पूछा गया है फाइंड आई, इसमें करंट कितना होगा। सॉल्व करो, काफी बढ़िया क्वेश्चन, अगर तुम्हें ऊपर समझ में आ गया है तो आराम से सॉल्व करो। तो सर्किट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल को एज्यूम करेंगे, तो एक ऐसा जगह जहाँ पे जीरो एज्यूम करना चाहिए वो ये मुझे लग रहा है, तो मैंने इस जगह पे जीरो एज्यूम किया, तो इस जगह पे पोटेंशियल हो जाएगा 10 और इस तरफ से जाएंगे तो ये माइनस और प्लस है, और इस लोकेशन पे भी आ जाएगा 10, और मुझे इस लोकेशन पे एक्स एज्यूम कर लेना चाहिए ताकि हर एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मुझे कुछ ना कुछ दिखे। पहला इसके अक्रॉस तो मुझे क्या दिख रहा है, जीरो, जीरो है करेक्ट। क्योंकि इसमें कोई भी करंट फ्लो करेगा नहीं। तो ये एक जंक्शन बचा, अब इस जंक्शन के लिए मैं लगा लेता हूँ एक्स माइनस 10 डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स माइनस 0 डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स माइनस ऑफ 2 डिवाइड बाई, और एक्स माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इधर से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 10, सो एक्स इज इक्वल टू 10 बाई 3। एक्स का वैल्यू निकल के आ गया, अब अगर एक्स का वैल्यू निकल के आ गया तो करंट हम लोग निकाल सकते हैं क्या, बोलो। हाँ सर, ना इजी है, वापस से सर्किट को रीड्रॉ करो ऐसा। तो ये 10 बाय 3 है, ये 10 है और ये 0 है और ये 0 है, और तुम हर एक ब्रांच में करंट बताओ कितना है, इसमें देखो कितना है, क्योंकि हायर से लोअर जाएगा इस तरफ जाएगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा और इस तरफ जाएगा, और बैटरी ऐसा है यहाँ पे तो इसमें करंट जो है इस तरफ जाएगा रिटर्न होगा। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हमारा के स्केल सर एक ऑलमोस्ट मिनट कंप्लीट पेज ऊपर करिए। हो जाएगा। डन सर। अब एक लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ
क्वेश्चन ऐसा है, ये बैटरी और रेजिस्टेंस का कुछ कॉम्बिनेशन दिया गया, तरीके से गिवन 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, इसे भी टू ले लेता हूँ, 4 एंड 2। तो मैं क्या निकालना है, इसमें करंट निकालना है, फाइंड आई, सॉल्व करो उसके। काफी बढ़िया पूछा। तो यहाँ पे तुम्हें दिख ही रहा होगा कि हर एक जगह पे पहले पोटेंशियल डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ पे 0 0 0 0 डिफाइन कर लिया, इस जगह पे 10 आ जाएगा, इस जगह पे भी 10 आ जाएगा, इस जगह पे भी 10 आ जाएगा, और बाकी बचेगा जो दो जगह, एक ये और एक ये। तो ये दो लोकेशन पे पोटेंशियल अननोन है, तो मैं इस जगह पे एक्स पोटेंशियल एज्यूम कर लेता हूँ और इस जगह पे वाई जूम कर लेते हैं। तो मेरे पास बेसिकली दो जंक्शन है, जंक्शन वन एंड जंक्शन टू। जंक्शन वन पे जब हम लोग इक्वेशन लगाएंगे के सी एल किरचॉफ्स करंट लॉ, तो हम लोग ऐसा एज्यूम करें कि जो एक्स है अभी सबसे बड़ा पोटेंशियल, अभी कौन है सबसे बड़ा पोटेंशियल, एक्स। वाई से भी बड़ा पोटेंशियल कौन है, एक्स है, और एक्स को सबसे बड़ा पोटेंशियल मानते हुए मैं आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इज इक्वल टू जीरो लगाऊंगा। तो इक्वेशन देखो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, x माइनस 10 डिवाइड बाई 2 प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 10 डिवाइड बाई 2 प्लस x माइनस ऑफ y डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आएगा इस जगह पर। और दूसरा इक्वेशन किस तरीके से सेकेंड जंक्शन पे KCL वापस से मुझे लगाना है, और इससे मैं हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि y का पोटेंशियल जो है वो सबसे बड़ा है। पहले हम लोगों ने एज्यूम करा कि x सबसे बड़ा है, लेकिन जिस जगह पे हम लोग जंक्शन ला लगाएंगे उस जगह का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा एज्यूम करेंगे। तो इसके हिसाब से इक्वेशन क्या आ जाएगा, वाई माइनस ऑफ एक्स डिवाइड बाई 4 प्लस वाई माइनस 0 डिवाइड बाई 4 प्लस वाई माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। बस इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमें आंसर निकल कर आ जाएंगे। बस इसी बात को ध्यान रखना कि जिस जंक्शन पे जिसका इक्वेशन हम लोग बना रहे हैं उस पोटेंशियल को सबसे बड़ा एज्यूम करना है, ताकि मैं आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री लगा पाऊँ। मुझे आई वन माइनस आई टू करने की ज़रूरत ना पड़े, सभी को ऐड करके मैं, क्लियर है क्या? यस सर। इसको अगर हम लोग देखेंगे 4 से मल्टीप्लाई किया तो टू एक्स माइनस 20 माइनस ऑफ 2x माइनस 20 प्लस x माइनस y इज इक्वल टू 0। फाइव एक्स माइनस y इज इक्वल टू 40 फर्स्ट इक्वेशन, और इधर से क्या आ जाएगा, y माइनस ऑफ x माइनस ऑफ y और प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। प्लस है ना, 1 2 3 4 सर माइनस 20 हो जाएगा ना। 2 से मल्टीप्लाई बाय और प्लस माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 20। ये सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद फिर हमारा आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे, KVL सीखेंगे किस तरीके से लगाते हैं। तब तक जो होमवर्क है इसका कंप्लीट करके रखना। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज वन में सेक्शन आई थिंक ए हो चुका है, सेक्शन बी कर लो। चलो बाय।